देख रहे हैं जल में काफ़ी सारे रेड मिट्टी है, हरा गंगे, नमामि गंगे, जय मै ये वाली घाट पूरी तरह से जलमग्न है। देख रहे हैं कितनी तेज है जल की धारा। हाय दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे। सुबह के 9 बजे घाट पे हम हैं। हर की पैड़ी ये प्रमुख घाट है जो आप देख रहे हैं। जल की धारा काफी तेज है, देख रहे हैं यहाँ पे केवल एक ही सीढ़ी बचा हुआ है, बाकी सब सीढ़ी डूब चुके हैं और कुछ घाट जलमग्न भी है। और इधर केवल 3 सीढ़ी बचा हुआ देख रहे हैं जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। पूरे घाट फूल है। शनिवार का दृश्य आप देख रहे हैं, आज तारीख है 29 जून। पूरे घाट लगभग खुली है, देख रहे हैं उस किनारे से बात करें या फिर इस किनारे की बात करें, पूरे घाट फूल है। और इस वीडियो में आपको हरिद्वार में रूम, पार्किंग, चारधाम यात्रा, हरिद्वार यात्रा, देहरादून यात्रा, ऋषिकेश यात्रा से जुड़ी जानकारी मिलेगी। साथ में हमने कट यात्रा के वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप देखिएगा। आप नीलकंठ महादेव की भी यात्रा कर सकते हैं। पूरे घाट फूल है, मार्केट का दृश्य आपको देखने को मिलेगा और आप आराम से हरिद्वार की यात्रा कर सकते हैं। बारिश का जो है वो आप देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं काले बादल फिर से छा चुके हैं। आप देखते हैं कल का क्या दृश्य होता है, काले काले बादल अभी दिख रहे हैं। उधर उधर देख रहे हैं, उधर तेज धूप है। लाखों की संख्या में अभी श्रद्धालु आ रहे हैं घाटों पे और भीड़ आप देख रहे हैं, अभी घाट में लोग प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे रास्ते बंद करते जाते हैं, अपरोड मार्केट और ऋषिकेश वाली बाईपास वाले मार्केट ऐसे ही आपको विष्णु घाट तक कहीं छोड़ेंगे जब उधर से आप ई रिक्शा में आते हैं तो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का यही कहना था कि बारिश और भीड़ कितना है, तो भीड़ आप देख रहे हैं, भीड़ आपको इतना ही मिलेगा, नॉर्मल भीड़ है, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है ये। और दोस्तों की एक घंटे दो घंटे का बारिश होता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बारिश आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और देख रहे हैं ये है प्रमुख द्वार हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड में प्रवेश करने का। आप इस मार्ग से ब्रह्मकुंड में प्रवेश कर सकते हैं। अभी देख रहे हैं भीड़ आ रही श्रद्धालुओं की। ये जूता स्टॉल है यहाँ पे, ये निःशुल्क जूता स्टॉल है। आप अगर ऐसा यहाँ पे छोड़ेंगे चप्पल जूता तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगा। इस मार्ग से प्रवेश करेंगे तो ब्रह्मकुंड है जहाँ पे स्नान करना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप व्हीलचेयर देख रहे हैं तो व्हीलचेयर मिल जाएगा गंगा सभा के सदस्यों की ओर से, लेकिन इनकी निर्धारित सीमा होता है, उससे ज़्यादा बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। आप देख रहे हैं लोगों की भारी संख्या घाटों पर प्रवेश कर रही है। अभी आज यहाँ पे ई रिक्शे आपको दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं ई रिक्शे यहाँ पे। सामने होटल धर्मशाला है, देख रहे हैं। अभी हम चलेंगे इधर वाली मार्ग से, सबसे अच्छा मार्ग है ये। और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब भीमगोड़ा से लोग आना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि भीमगोड़ा में रहने खाने और पार्किंग की काफ़ी अच्छी सुविधा मिलता है। चलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा आपको क्योंकि घाट तक ही आपको सेवा मिल जाता है गाड़ियों की। ये दूसरा जूता स्टैंड है, पहला जूता स्टैंड हमने आपको दिखाया। भीड़ दोनों ही जगह आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। बारिश होने के बाद उमस वाली गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं प्रसाद बट रहा है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। हरहर गंगे, हरहर महादेव कमेंट करें आप, और आपको होटल धर्मशाला का नंबर इसी वीडियो पे ही मिलेगा ताकि आप आराम से बुकिंग करके आ सकते हैं। ये हम आ चुके हैं कंकल से, जब आएंगे आप या फिर आप आएंगे भीमगोड़ा से तो आपको यहीं पर ही लोग उतारेंगे रिक्शा वाले। यहाँ से आप भीमगोड़ा की ओर जा सकते हैं, देख रहे हैं ये यहाँ से बिल्कुल घाट नज़दीक है, देख रहे हैं यहाँ उतरेंगे और यहाँ से मात्र 5 से 10 कदम पे आपको मिल जाएगा घाट। देख रहे हैं पूरे घाट फुल हो चुके हैं और ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा। हाईवे में गाड़ी सही है, भीड़ अभी उतना नहीं है, कल का भीड़ देखने को मिलेगा क्योंकि भीड़ होता ही है। अब देख रहे हैं धूप अब आ रहा है।
सामने जो दिख रहा है ब्रिज, इस ब्रिज को क्रॉस करते ही आप चले जाएंगे पंजी पार्किंग में, जो कि काफी नजदीक पार्किंग है हर की पैड़ी के पास। और इधर से जाएंगे तो दो पार्किंग इधर पड़ेंगे आपको, पहला तो पड़ेगा रेडी वाला पार्किंग और दूसरा पार्किंग पड़ेगा आपको पंडित दीनदयाल की उपाध्याय वाली पार्किंग। दोनों ही पार्किंग, तीनों पार्किंग अच्छे पार्किंग है, तीनों में पैसे बिल्कुल सेम है, 150 रुपया कार का लिया जाता है पार्किंग शुल्क। और इधर से लोग हर की पैड़ी में प्रवेश करते हैं, वहाँ पे जूता स्टैंड है जो चप्पल जूता रख के, और तीन मार्ग है हर की पैड़ी में इधर प्रवेश करने के। इधर प्रवेश करने के लिए आपको चप्पल जूता बाहर रखना होगा। और इधर उधर देख रहे हैं केवल तीन सीढ़ी है बच गया है, तीन सीढ़ी बचा हुआ है और वहाँ पे एक सीढ़ी बचा हुआ था। जल काफ़ी तेज है, जल की धारा, और यहाँ से दो धारा आपको देखने को मिल रही होगी, एक तो ये वाली धारा, एक तो वो वाली प्रमुख धारा है, और ये वाली हर की पैड़ी से जा रही है जहाँ पे लोगों का भीड़ आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। अब हम आपको बता रहे थे चेंजिंग रूम के बारे में, एक चेंजिंग रूम इधर है, यहाँ पे मैं चेंजिंग रूम का दृश्य नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये खड़े हुए हैं, और इधर है कुछ चेंजिंग रूम, ये जो लाइन से आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं ये सारे चेंजिंग रूम है माता और बहनों के लिए। करीबन 10 से 15 चेंजिंग रूम बने हुए यहाँ पे। हम चल रहे हैं नीचे की ओर, देख रहे हैं आप फिर से छांव आ गया, तो धूप और छांव वाला सिलसिला बिल्कुल जारी है यहाँ पे। अभी यहाँ पे कुछ लोग छलांग लगाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। इधर से आप एंट्री करेंगे, चप्पल जूता कुछ ऐसा रखेंगे तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगा बाद में। ये जूता स्टैंड है जो कि निःशुल्क है। ठंड लग रहा है, कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हैं छलांग लगा रहे हैं, तैर रहे हैं। अगर आप भीमगोड़ा से आएंगे तो आपको गाड़ी वाले वहाँ पे छोड़ेंगे, वहाँ से आपको नीचे बस इतना सीढ़ी उतरना है, फिर आप घाट में प्रवेश कर लेंगे। जूता स्टॉल यहाँ पे दो जूता स्टॉल है, एक तो ये है जूता स्टॉल और एक नीचे और है, दो जूता स्टॉल है। यहाँ पे भी 1-1.5 बजे के बीच भंडारा होता है, तो आप यहाँ पे भी अपना भंडारा कर सकते हैं। एक भंडारा तो वहाँ पे हो ही रहा है अभी, आपने देखा वहाँ पे भी होता है, दो जगह होता है यहाँ पे भंडारा। देख रहे हैं फिर से धूप आ गया, छांव धूप चल रहा है। देख रहे हैं यही वो है घाट है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं छलांग लगाने के लिए, और भीड़ देख रहे हैं आप घाटों में भीड़ कितनी ज़्यादा है। ये देख रहे हैं इधर वाली जो एरिया, ये महिला घाट है,